के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, वो है बैरी ऑर्चिड फेस 4। इसकी एक गुड न्यूज़ आपको बताता चलूँ तो आने वाले दिनों में बैरी ऑर्चिड और बैरी टोन को ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो काफ़ी बूम हो जाएगी ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज़। टाइटेनियम ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एज यू नो, टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट सोसाइटीज एंड प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता है। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो है बैरी ऑर्चिड फेस 4। इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये मेन ड्राइवर रोड पर लोकेटेड है, फेस 1 के बिल्कुल अपोजिट फेस 4 आता है। इसमें अगर कैटेगरीज और कटिंग की बात की जाए तो इसमें 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग अवेलेबल है। इसमें अगर ब्लॉक की बात की जाए तो G1 से लेकर G6 तक इसमें ब्लॉक है। G1 और G2 में 1 कनाल की कटिंग है और इसी तरह G3 से लेकर G6 तक जो है 10 मरला की कटिंग अवेलेबल है। अगर प्राइसेस के हवाले से देखा जाए तो 1 कनाल की जो प्राइस है वो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20-25 तक अवेलेबल है। इसी तरह अगर 10 मरला की बात की जाए तो 10 मरला की जो प्राइसेज है वो 40 लाख से लेकर 50-55 लाख तक आपको इजीली अवेलेबल है। इसकी एक गुड न्यूज़ आपको बताता चलूँ तो आने वाले दिनों में बैरी ऑर्चिड और बैरी टोन को ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बैरी ऑर्चिड की प्राइसेज जो है वो काफ़ी हाई हो जाएंगी। दिस इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आने वाले दिनों में बैरी टोन और बैरी ऑर्चिड के मर्ज होने की वजह से प्राइसेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी। जो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। राइट नो, यहाँ पे दो मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसकी सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद जैसे उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो काफ़ी बूम हो जाएगी ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज़। अगेन मैं अपने ओवरसीज क्लाइंट और लोकल क्लाइंट्स को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि अगर वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंस या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैरी ऑर्चिड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे कि ये अच्छा टाइम है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, अच्छा गेन देगा। अगर रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर पोजेशन जो है अप्लाई किया हुआ है। कमिंग मंथ्स में 20-30% यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वो घर बनेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है मजीद इंक्रीज़ हो जाएगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स सेम नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।